आज मैं लंच में बना रही हूँ सीम और आलू की सब्ज़ी। तो मैंने जीरा डाल दिया है, तेज पत्ता डाल दी, प्याज को अच्छे से फ्राई करूँगी और अब डाल दिया है इसमें आलू और सीम और हम इसे फ्राई करेंगे अच्छे से। हम इसे थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे और आप देखिए हल्का सा नरम हो गया है सब्ज़ी। फिर हम इसमें डालेंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। हम लाल मिर्च नहीं खाते, मैं एक साथ ही अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बनाकर रख लेती हूँ, जो आराम से 1 वीक चल जाता है। यहाँ मैं अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दी हूँ और इसे अच्छे से इसका जो स्मेल होता है वो चला जाए तब तक इसे फ्राई करूँगी। यहाँ हम सारे मसाले डाल देंगे और अगर आपको डिटेल में इसे देखना है तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, इसका अच्छे से वीडियो डाल रखी हूँ। तो हमारा सब्ज़ी बन के तैयार है और हम जा रहे हैं अभी लंच करने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं जा रही हूँ प्रिशा को फ्लू वैक्सीनेशन दिलवाने के लिए और प्रिशा का ये सेकेंड डोज है। एक पिछले मंथ में लगा था सेम डेट को और एक आज लगवाने जा रही हूँ। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं प्रिशा को लेकर। इससे मालूम नहीं है अभी ये बहुत रोएगी, बहुत नहीं रोती है, थोड़ा थोड़ा ही रोती है। और अभी इसके पापा भी आ रहे हैं क्योंकि ये पापा के साथ कम रोती है, मेरे साथ ज़्यादा रोती है। तो हम अभी इसे इंजेक्शन दिलवा कर आपसे मिलते हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ प्रिशा का इंजेक्शन लेने, रजिस्ट्रेशन हो गया हमारा, प्रिशा को चोट भी लग गई। जब इसका मेजरमेंट हो रहा था हाइट वेट, तो पिशु ने अपने पैर मार लिए हैं, बहुत रोई। पिशु कैसा लगा बेटा? ये इसे पार्ट कर दें आप। और हम जा रहे हैं अभी मेडिसिन लेने, मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी खूबसूरत जगह पे पिशु इंजेक्शन लेती है। यहाँ प्रिशु को इंजेक्शन लग गया है और हम वापस घर जा रहे हैं। प्रिशु अपने पापा के साथ गोद में जा रही है और ये खुश है क्योंकि इसके पापा इसे लेने आए हैं और इसे इंजेक्शन लग गया, ज़्यादा दर्द नहीं हुआ, ये रोई नहीं क्योंकि वो पेनलेस इंजेक्शन था। मैं घर वापस आ चुकी हूँ। प्रिशु रोई पर जरा सा रोई, उस पापा उसे गोद ले लिए थे तो वो जल्दी चुप हो गई, पापा को देख कर ऐसे खुश हो जाती है। और अतुल जी को बहुत भूख लगी थी तो मैं आते ही यहाँ पे चावल चढ़ा दी, मैं सेट करके गई थी चावल, बस आके चढ़ा दी। और मैंने सैलड काट लिया, राजमा बनाई हूँ। तो राजमा, चावल और सैलड और साथ में जो मैंने अचार लाया था कल, तो उसे ट्राई करूँगी। कुछ कपड़े लूँ, खाने का सामान लूँ, हर चीज़ मुझे ट्राई करने के लिए ऐसे ही लगता है बस अब जल्दी से। तो मुझे लग रहा है कब मैं अचार खाऊँ, कपड़े आते हैं तो मैं कब पहन लूँ, आते ही उसे वॉश कर दो पहन लो। सबसे पहले अगर मैं कहीं जाती हूँ कपड़े लेने के बाद तो मैं वही कपड़े पहनती हूँ जो मैंने लास्ट टाइम लिया है, और पहले के कपड़े यूँ ही रह जाते हैं। तो हम डिनर कर लेते हैं और फिर आप लोगों से रात में बात करती हूँ। बेटा
फ्रेश। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम जा रहे हैं फ्रिशु को वॉक पर लेकर। हमने अपना जस्ट अपना डिनर किया है और हम निकल गए हैं वॉक पर। अभी यहाँ हैं मेरे दो अनमोल रतन, एक नीला पत्थर और एक लाल पत्थर, मेरे दो रतन। यहाँ देखिए लाइट लगने स्टार्ट हो गए, सभी ने अपने अपने बालकनी में लाइट लगवाना स्टार्ट कर दिया है। आप तक खून कब खोलेगा? आप अपने बालकनी में लाइटिंग कब लगाएगा? जब आपका खून खोल जाएगा और मुझे लाइट ला कर दे दोगे। पिछले बार का लाइट सिर्फ बैटरी खाता, सिर्फ बैटरी खाता, इस पर लाइट वाला लगाऊंगा, बैटरी वाला नहीं। और यहाँ मेरे हस्बैंड मुझसे झगड़ा कर रहे हैं 15 दिरहम के लिए। करीम वाला इनसे 15 दिरहम एक्स्ट्रा चार्ज किया तो ये मुझसे चार्ज कर रहे हैं, और ये चार्ज नहीं करे घर आके मुझसे 15 दिरहम ये ले चुके हैं कि दान करो, दान करो, गरीब को दान करो। मैं कैट्स देखती रहती और मेरे हस्बैंड चलते रहे। मैं दौड़ के आ गई, मैं कैट फाइट देखती रह गई और यहाँ सिग्नल रेड होने ही वाला था, मैं दौड़ के आई। 7 जन्म तक साथ देने वाला इंसान एक सिग्नल पे मेरा साथ नहीं दिया। अरे रेड नहीं था वो, रेड और ग्रीन के बीच में था। मैं दौड़ के आई, यह लाइट उसकी वजह से लगाया है। एक बार हम इस रास्ते से आ रहे थे, हम बात भी कर रहे थे ना, यहाँ पे लोग बैठ के कुछ पी रहे थे, उनको काफ़ी डार्क था, मैं थक गई, मैं दौड़ के आई तो इस वजह से देखो लाइट हमारे यहाँ पे जब पीते तो लाइट छोड़ दिया जाता, लगाया नहीं जाता। लास्ट टाइम जब हम गणेश जी लक्ष्मी जी की मूर्ति लेने गए थे तो मिला नहीं था, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट पे गए थे शायद दिवाली से एक दिन पहले, तो मिला नहीं। तो इस बार हमने सोचा है कि हम पहले ही ला कर रख देंगे, तो देखते हैं किस दिन हमें टाइम मिलता है और किस दिन हम जाकर लेकर आते हैं। टाइम मिलेगा तो हम चलेंगे एक दिन दिवाली शॉपिंग। ओह बस कहने को ऐसा कहते हैं जब मैं बोलती हूँ लेना है, और जब लेके जाना तो 10 बज गए, 8 बज गया, दुकान बंद। ऐसा बोलते हैं नहीं, बोल दो खुला रहता है, आप खुले रहते हैं। मैं इंसान हूँ, मैं दुकान नहीं। अगर कोई सब 12 बजे बंद होने वाला है और मैं बोलूँगी कि चलो, तो बोलेंगे 10 बज गए अभी भी, अब तो बंद ही होने वाला है, छोड़ो कल चलेंगे, टुमारो नेवर कम्स। इनके केस में कभी नहीं आता, कभी भी नहीं आता। जैसे सुना आपने, ये देखो हो गया स्ट्रॉलर, हमारा स्ट्रॉलर भी सोचता है मुझे क्यों कष्ट देते हो, मुझे घर पे रहने दो जब इसे गोद में ही रहना है। फिशू से हेलो, हेलो एवरीवन। ये देखो बुर्ज
खलीफा दिख रहा है आप लोगों को, दिख रहा है। मैं प्रिशु को गोद में ले लेकर थक गई, ब्लॉग बनाने का बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रहा है, तो मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में।